न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर का और आज जोड़ रहे नोएडा उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी और मैं आज उनके साथ बातचीत करूंगा, सवाल उठाऊंगा कि राजस्थान की जो हो रहा है इसका कानून तरह से अगर आप देखना चाहते हैं इसका मतलब क्या। बुधवार के दिन दिनेश जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दावा किया था राज्यपाल कलराज मिश्र के पास तीसरी बार उनको नाक, चौथा बार अशोक गहलोत जी राजभवन जाके बोले क्यों आप विधानसभा को गठन नहीं कर रहे, आप 21 दिन का नोटिस मांग रहे। तो बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे कि हम विधानसभा के अंदर हमारा बहुमत है कि नहीं, हमारा सरकार में अगर आप विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं आप क्यों ना कह रहे, आप क्यों 21 दिन की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे बात हो रहे कि कोविड के लिए एजेंडा क्या है, कानून विषय क्या है, क्यों आप विधानसभा करने चाहते हैं, आपका क्या काम। और साथ साथ जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर साहब है, जो सिटी जस्ट साहब है, उनका क्या भूमिका होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत लोग आज मुझे मालूम, लोगों को मालूम नहीं है कि क्या हो। आप एक वरिष्ठ वकील है, आप उसमें कानून क्या है और राजनीति कहाँ है, जरा सरल भाषा में न्यूज क्लिक को समझा दीजिए। जी देखिए, संविधान तो एक मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत सरकार चलाई जाती है। अब मैकेनिज्म का उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है, ये करने वाले की मंशा पे है। अब हमारे संविधान में जिसको कि हमने जिसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल में एक बिंदु या एक मसला ऐसा है जो कि वो कभी आप हिला नहीं सकते, वो ये है कि जो चुनी हुई सरकार है उसका मत जो है सर्वोपरि है। गवर्नर या प्रेसिडेंट उनके पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि चुनी हुई सरकार के मत को या उनकी ख्वाहिश को या उनके रिक्वेस्ट को नकारे। ये तो संवैधानिक स्थिति है और इसको अगर आप कुछ एक चंद धाराएं हैं अगर आप उनको देखेंगे तो जाहिर हो जाएगा। एक तो देखिए, जहां तक राज्य सरकार का सवाल है वहां पर धारा जो है 154, 163 और 174, ये तीन धाराएं हैं जिसके अंतर्गत ये डिसोल्यूशन और समनिंग ऑफ असेंबली की बात होती है। अब सवाल ये है कि धारा 174 में गवर्नर को अधिकार दिया गया है समन करने का, असेंबली समन गवर्नर करेगा, और गवर्नर करेगा कैसे इसको जानने के लिए आपको अन्य धाराओं को देखना पड़ेगा जैसे कि 163, 154। हमारे संविधान के अंतर्गत जैसा मैंने कहा जो मौलिक बात है, जो सबसे अहम बात है वो ये कि गवर्नर की अपनी स्वतः कोई पावर नहीं होती, चाहे वो पावर जो है गवर्नर के नाम से ही क्यों ना हो या स्टेट एग्जीक्यूटिव के नाम से हो, कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी के नाम से हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर वो गवर्नर के नाम से भी है तो भी वो बिना कैबिनेट के एडवाइस के नहीं एक्सरसाइज करेगा गवर्नर। ये तो मतलब बिल्कुल जिसको आप अडिग सा मसला है ये हमारे संविधान में। इस पे तो एक खंडपीठ भी है सुप्रीम कोर्ट की 1974 में, शमशेर सिंह के नाम से है। देखिए शमशेर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने
ये बड़े साफ तौर पे कहा है कि चाहे पावर गवर्नर को दी गई है उसके नाम से, या वो यूनियन या स्टेट के नाम से हो, पर पावर जो है वो हमेशा कैबिनेट की एडवाइस पे ही होगी एक्सरसाइज, उसकी अपनी स्वतः पावर नहीं होती। अब अगर आप इसी को देखें तो धारा 53, 74 और 85 ये तो सेंटर के लिए है, सेम पावर है प्रेसिडेंट को। अब फर्ज कीजिए आज जो गवर्नर कर रहा है कल प्रेसिडेंट करे तब। दिनेश जी, तो सवाल हाँ उठ रहे हैं कि ये विधानसभा को समन करने के लिए, गठन करने के लिए 21 दिन का नोटिस की जरूरत है कि नहीं? ना ये संविधान में है, ना ही ये रूल्स ऑफ बिजनेस में है, ना ही रूल्स ऑफ लेजिस्लेचर में है, कहीं नहीं है ये। ये तो बात वही है कि हम चूंकि करना नहीं चाहते हैं इसलिए एक के बाद एक बहाना ढूंढ रहे हैं। अब फर्ज कीजिए जो उन्होंने पहली दूसरी बार कहा कि आपने एजेंडा नहीं लगाया, आपने ये नहीं कारण बताया कि क्यों बुला रहे हैं, तो क्या आप देखेंगे? हाँ, तो अब क्या आप कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस की करेक्टनेस को असेस करेंगे बैठ के वहां? ये गवर्नर नहीं कर सकता। दिनेश जी, ये सारे जो कहते हैं विवाद शुरू हुई क्योंकि कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, सचिन पायलट एक तरह से बागी बन गए, रिवोल्ट, और साथ साथ इसके साथ लगभग 18 और विधायक है। तो सवाल उठा कि आज जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है जोशी जी है, उसके पास ये क्षमता है कि नहीं डिस्क्वालीफाई करने का, यानी कि उनको कहे कि आप अयोग्य का आप नहीं है, यू कैनॉट बी एन एमएलए और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ये एक बार जब याचिका सीपी जोशी जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, फिर बाद में उन्होंने वापस ले लिया। इसी में भी हमें पिटीशन का वापस लेना मेरी राय में तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन था इनका, ये कानून से कोई संबंध नहीं है इसके। उनका डिसीजन स्ट्रेटेजिकली ये है, शायद उनके दिमाग में ये बात थी कि इस समय चैलेंज करना ठीक नहीं है, मे बी बेंच को देख के या जो भी कारण है, तो उन्होंने जो है ये तय किया कि अभी काफी समय बाकी है लिमिटेशन में, तो इसलिए हम अभी रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि जिसमें प्रिसाइडिंग जज श्री अरुण मिश्रा है, शायद वो रिटायर हो रहे हैं सितंबर के शुरू में, देयरफॉर अभी उनके पास लिमिटेशन 90 डेज की है, तो वो ये चाहते ये है कि इनके सामने ना जाए, ये जाहिर है यही खेल है। अब वो उनकी बात है, पर स्थिति यह है कि इससे गवर्नर का फैसला सही नहीं होता किसी भी तरह से। 1992 में, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और एक केस उठाया, इसको कहते हैं कि वो तो ओलोहान वाला केस, उस समय भी एक संविधान के पुस्तिका एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसमें भी भाग हो गया था 3-2। और ये है संविधान का 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल, और इसमें क्या आप जरा हमें समझा दीजिए और न्यूज़लीक का दर्शक को समझा दीजिए, इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है, स्पीकर का क्या भूमिका है, पूर्ण विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, किस तरह से एक विधायक को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आप कहते हैं कि अयोग्यता नहीं है, इसमें ये केस का क्या क्या, भाई सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस है इसका ये क्यों महत्वपूर्ण है? होलोहन का केस जो है वो 10th शेड्यूल पे है जैसे आपने कहा, और उसका गवर्नर की पावर से कोई सरोकार नहीं है, समन करने की पावर से कोई सरोकार नहीं है। जहां तक होलोहन के केस का सवाल है और 10th शेड्यूल का सवाल है, उसमें जनरली सवाल उठते हैं कि आपने पार्टी को छोड़ा है स्वतः या नहीं छोड़ा है, ये सवाल है। तो
उसमें जो है कोर्ट्स ने ये कहा है कि आपका कॉन्डक्ट देखा जाएगा, और स्पीकर जो है एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है, जो कि तय करेगी कि आपने आपके कॉन्डक्ट से ये इंफरेंस होता है या नहीं होता है। केवल रेजिग्नेशन वॉलंटरली लीविंग पार्टी नहीं है, आपका कॉन्डक्ट भी अगर दिखाता है, फर्ज कीजिए आप अपोजिशन लीडर के साथ चले गए गवर्नर के पास की सरकार को गिराइए, तो ये कॉन्डक्ट भी है जो दिखाता है कि आपने पार्टी छोड़ दी है। तो इस तरह के कई हालात हो सकते हैं, कई सूरत हालात। तो वहां पर स्पीकर जो है वो सोल अथॉरिटी है, स्पीकर जो है वो सोल इंस्टीट्यूशनल जुडिशियल अथॉरिटी है, जिसके ऊपर न गवर्नर का कोई से है, न प्रेसिडेंट का कोई से है, ना ही कोई मंत्री या किसी का से है, वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, और वहां पर गवर्नर का 10th शेड्यूल में कोई भी दूर दराज तक कोई रोल नहीं। दिनेश जी, कोई रोल नहीं। एक और विषय अभी उठ गया, बहुजन समाज पार्टी का मायावती जी ने कहा, तो छह जो बहुजन समाज पार्टी का जो विधायक था, जो आपका दिसंबर 2018 में जब चुनाव हुई थी विधानसभा का चुनाव, उसके कुछ दिन पहले सब एक साथ मिलकर कांग्रेस के, अब वो कह रहे हैं कि ये कानूनी नहीं है, आप इनको भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, आपका अयोग्यता नहीं है इसमें। तो इस विषय के ऊपर थोड़ा बहुत आप कहिए, क्योंकि आज वो 200 विधायक की जो विधानसभा है, अशोक गहलोत का सरकार, अगर आप समझ लीजिए ये जो 19 जो बागी विधायक है उनके साथ नहीं जाता है, तो उनका बहुमत होगा कि नहीं, ये बहुत एक छोटा खर्च है। अरे बहुमत ही होगा, एक विधायक दो विधायक, ये नंबर्स गेम है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है और जो मायावती जी ने कहा है, वो उसमें कोई ज्यादा तथ्य नहीं है। कारण ये है कि हमारे 10th शेड्यूल में आप पार्टी अगर लीव करते हैं, पैराग्राफ 2 में जो है कि आपने पार्टी को वॉलंटरली स्वेच्छा से छोड़ दिया है, तो उसका एक एक्सेप्शन भी क्रिएटेड है कि जहां की पार्टी के विधायक, 2/3 विधायक जो है शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो जो है वो एक्सेप्शन हो जाता है, वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं अप्लाई करेगा। तो लिहाजा मायावती जी की पार्टी के सारे लोग चले गए, छह विधायक थे, सब लोग कांग्रेस चले गए, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। मगर आप क्या समझते हैं अभी क्या होने वाले, कानूनी तरह से क्या होगा, क्योंकि बार बार राज्यपाल बोल रहे हैं कि इस दिन गठबंधन चाहिए, अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री के पास गया, प्रधानमंत्री के पास निवेदन किया, राजभवन के लॉन में सब विधायक बैठ के घेराव, क्या बताए घेराव शायद नहीं, बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, आपको क्या लग रहा है यहाँ से कहाँ जाएगा? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, ये लड़ाई संविधान और कानून की तो रही नहीं, ये है लड़ाई संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि इतने बड़ी बड़ी हस्तियां जो कि संविधान को अपहोल्ड करने का ओथ लेते हैं या अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हैं कि हम उसको मानेंगे, वो इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये नहायत शर्मिंदगी की बात है। हमारे देखिए, आपकी पार्टी क्या है, आपकी पार्टी क्या नहीं है, ये गवर्नर को इससे अपने को अलग रखना चाहिए। ये संवैधानिक जरूरत है, ये संवैधानिक रिक्वायरमेंट है कि वो पार्टी से अलग है, और अगर पार्टी से अलग है तो ये हरकत दिखा रही है कि आप पार्टी के साथ ये हैं, पार्टी से अलग नहीं है, आप अपना बैकग्राउंड भूल नहीं पाए। तो ये बात जो है, ये हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, ऐसा गवर्नर को करना नहीं चाहिए, इससे वो अपनी ओथ का वायलेशन कर रहे हैं। धन्यवाद दिनेश जी, आपने समझा दिया न्यूज़पिक का दर्शक को सरल भाषा में, कानूनी तरह से, या एक वरिष्ठ आप क्या कहते हैं, आप एक वरिष्ठ वकील है, ये आपने समझा दिया। और समय बताएंगे राजनीति हमारा कहाँ ले जा रहे, सच में अशोक गहलोत का सरकार कितने दिन रहेंगे, उनको विधानसभा कब गठन होगा, उनको बहुमत मिलेगा कि नहीं, ये सिर्फ समय बताएंगे। धन्यवाद दिनेश जी, आप लोग देखते रहिए।
Thank you.